नमस्कार दोस्तों, इस बात से तो हम परिचित हैं कि पूर्णिमा किसी भी माह की आखिरी तिथि होती है। बता दें कि 25 जनवरी को पौष माह की पूर्णिमा है। इसके बाद से माघ का पवित्र माह शुरू हो जाएगा। इस माह की महिमा और महत्व का वर्णन पुराणों में सबसे ज्यादा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। वहीं बता दें कि प्रत्येक माह के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं माघ मास से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार 26 जनवरी दिन शुक्रवार से माघ का महीना शुरू हो रहा है, जो कि 24 फरवरी को समाप्त होगा। बता दें कि माघ के महीने में गंगा स्नान करने का अधिक महत्व माना गया है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस माह में माँ गंगा, भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और भक्तों के दुख दर्द और कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में आप जो भी दान करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनमें कभी ना खत्म होने वाला पुण्य आपको मिलता है। तो वहीं अब आपको बताते हैं माघ मास के कुछ नियमों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ के महीने में व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस महीने में आपको रोजाना जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इस महीने स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस महीने यदि संभव हो सके तो बिस्तर पर न सोए बल्कि जमीन पर सोए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन में कष्ट आते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि माघ मास में तामसिक चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आप इस पवित्र महीने में तामसिक चीजों और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप चाहे जितने भी दान कर लें, आपको इसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बताते चले कि माघ के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का विशेष तौर पर पालन करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि ये माह पुण्य कमाने और साधना करने का होता है। ऐसे में माघ के महीने में किसी से भी झूठ न बोलें, ईर्ष्या न करें और किसी का भी अपमान न करें। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में द्वार पर किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अगर माघ के पवित्र माह में पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन नियमों का खास ध्यान रखें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।